मोदक गणपति बप्पा की सबसे लोकप्रिय मिठाई है। गणेश उत्सव में कई तरह के मोदक बनाए जाते हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं पान मोदक। ये बहुत ही टेस्टी ऐसे लगते हैं, इसका लुक देखिए कितना प्यारा है, एकदम सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, बढ़िया ऐसे ये मोदक बने हैं। अंदर से देखिए इसका लुक कितना बढ़िया दिख रहा है, परफेक्ट मीठा पान जैसी इसकी टेस्ट लगती है। गणपति बाप्पा के साथ बच्चे और बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएंगे, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना और आपके मोदक कैसे बने मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीना जम्मी किचन। लीना जम्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पांच पत्ते पान के लेके अच्छे से क्लीन कर लिए, इस तरह अच्छे से वॉश कर लिए और उनकी स्टाल्क भी मैंने निकाल दी है और इस तरीके से छोटे पीसेस इसके कर दिए हैं। मिक्सी जार में इसको डालेंगे और इसके साथ 125 ग्राम शुगर ली है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। एक बड़े चम्मच इतना पानी हम इसमें मिलाएंगे और इसकी फाइन ऐसी पेस्ट बनाएंगे। एक बाउल में हम ये निकाल के साइड में रख देंगे। पैन में एक चम्मच घी डालेंगे। ये अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद 250 ग्राम डेसिक्रेटेड कोकोनट लिया है, इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए इतना ही हमें इसे भूनना है और कंटिन्यू इसे चलाते जाना है, फ्लेम एकदम लो रखनी है। अभी हम इसमें पान और शक्कर का जो पेस्ट बनाया है उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि शक्कर जो है नीचे बैठ जाती है, तो इसे अच्छे से मिक्स करके ही इसमें ऐड करना है। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर इसको आया है। चाहे तो आप थोड़ा हरा फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से भुनेंगे, पर इसे हमें लगातार चलाते जाना है और फ्लेम जो है एकदम स्लो रखनी है। 50 ग्राम मिल्क पाउडर हमने इसमें मिलाई है, इससे अच्छे से बाइंडिंग आती है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्टी ऐसे इसकी टेस्ट लगती है। मिल्क पाउडर डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही हमें इसे पकाना है। इस तरह हाथ में गोला लेके अच्छे से इसका गोला बने, मतलब ये रेडी हो गया है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। पान मोदक के अंदर का स्टफिंग हम बनाएंगे, इसके लिए 1 स्पून गुलकंद लिया है और थोड़े काजू के पीसेस लिए हैं। 1 चम्मच टूटी फ्रूटी मिलाएंगे, 1 स्पून चेरी के पीसेस और 1 स्पून सौंफ हम इसमें ऐड करेंगे और 1 स्पून डेसिकेटेड कोकोनट हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। परफेक्ट पान में जो मसाला रहता है वही मसाला हमने यहाँ बना लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया मीठे पान की तरह ही टेस्ट हमारे मोदक को आएगी। मोल्ड हमने लिया है, इस तरह हम जो मिक्सचर हमने बनाया है वो अच्छे से मोल्ड में फिट करेंगे।
सेंटर के पार्ट में हम थोड़ा छेद बना देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे स्टफिंग डालना है। सेंटर का जो पार्ट है उसमें हम जो स्टफिंग बनाया है वो मिलाएंगे। इस तरह हमने स्टफिंग अंदर डाल दिया है और मोल्ड अच्छे तरीके से हम पैक करेंगे। नीचे से एकदम प्लेन शेप आए इसलिए हम प्लेट पे रख के इस तरह प्रेस कर देंगे। वाओ बढ़िया, कितना प्यारा ऐसे लुक हमारे मोदक को आया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। ये जो मोदक का मिश्रण हमने बनाया है वो कभी कभी थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो आप उसमें एक दो चम्मच मिल्क डाल के उसे सॉफ्ट बना के बढ़िया ऐसे मोदक बना सकते हैं। लग रहा है ना टेम्पेटिंग। और इसमें चार चांद लगाने के लिए हम चांदी वर्क से इसे और डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया ऐसे इसका लुक दिखेगा। बहुत ही सुंदर सुपर टेस्टी पान मोदक रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ये मोदक जरूर ट्राई करके देखिए, कितना प्यारा ऐसे लुक इसका है। अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी ऐसे बने हैं, देखिए परफेक्ट कलकत्ता मीठा पान की टेस्ट इसमें आती है। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फैमिली रिलेटिव्स और आपके पहचान वाले लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। मेरे YouTube चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। न्यू रेसिपी के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।